दोस्तों ये घटना है 17 दिसंबर 2015 की, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-619 मुंबई से हैदराबाद उड़ान भरने के लिए तैयार थी। फ्लाइट टेक ऑफ से पहले सभी टेक्नीशियन और इंजीनियर उनके पुर्जों की जांच कर रहे थे, तभी वहां पर मौजूद एक ग्राउंड स्टाफ के संकेत को पायलट इंजन चालू करने का संकेत समझ बैठता है और इंजन चालू कर देता है। वहीं दूसरी ओर टेक्नीशियन रवि सुब्रमण्यम पुर्जों की जांच में व्यस्त थे और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, करीब 1.5 लाख RPM की स्पीड से घूम रहा प्लेन का इंजन रवि सुब्रमण्यम को अपनी ओर खींच लेता है। इस हादसे में पायलट की एक छोटी सी गलती से 1 सेकंड में बॉडी के 1000 टुकड़े हो जाते हैं।